नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यदि आप बंधन बैंक में अपना एक एफडी बनाना चाहते हैं अर्थात फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करना होगा। बंधन बैंक अपने कस्टमर को यह सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप घर बैठे ही अपना एक एफडी बना सकते हैं। आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा बैंक की तरफ से आपको सभी इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप उसको बीच में क्लोज करना चाहते हैं आप बीच में भी क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 साल के लिए एक एफडी बनाया और उसको बीच में क्लोज करना चाहते हैं, साल भर के अंदर में 6 महीने के अंदर में आप क्लोज कर सकते हैं। आपका सभी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो कैसे अपना एफडी बनाएगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एफडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको बंधन बैंक के नेट बैंकिंग वाले वेबसाइट पर चले जाना। आप यहाँ देखो हम आ चुके हैं। आप यह प्रोसेस अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो पहले आपको नेट बैंकिंग का रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा डिटेल पूर्वक वीडियो बना हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आपको इसमें लॉगिन करके उसके बाद एक एफडी बना करके दिखाते हैं। एंड जब आप बंधन बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन कर दीजिएगा, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के देखिए आपके समय इस प्रकार से डिस्प्ले मिलेगा बंधन बैंक के ऑफिशियल नेट बैंकिंग का। आपको मोबाइल में भी इसी प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इसमें अपना एफडी बनाने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ऊपर में माई अकाउंट का। आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं, आप देख पाओगे माई अकाउंट का। जैसा आप इसके ऊपर यहाँ से क्लिक किया उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ओपन एफडी का। आप देख पाओगे आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा, ओपन एफडी के ऊपर। जैसे उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा। पहला रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, तीसरा टैक्स सेविंग डिपॉजिट। आपको फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा अपना एफडी बनाने के लिए बंधन बैंक में। जैसे आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो क्या आपके समय एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देख पाएंगे देखिए सबसे पहले बोल रहा है ओपनिंग डिपॉजिट फॉर, तो यहाँ से आपको सेल्फ को सेलेक्ट करना होगा क्योंकि आप खुद के लिए अपना एक एफडी बना रहे हैं। तो आपको सेल्फ के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेलेक्ट करने का, तो यहाँ से आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। इसी अकाउंट से आपका पैसा कट करके फिक्स डिपॉजिट में जमा होगा। तो जितना भी पैसा होगा वो सभी पैसा आपको यहाँ शो हो जाएगा आपके अकाउंट में, जितना भी बैलेंस होगा। उसके बाद कितने राशि के साथ आप अपना एफडी बनना चाहते हैं वो राशि यहाँ इंटर करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमें 50,000 का एफडी क्रिएट करना है तो यहाँ 50,000 को इंटर कर देंगे। आपको जितने भी राशि के साथ एफडी क्रिएट करना हो तो यहाँ आपको वो राशि इंटर कर लेना होगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जानना चाहते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा हमें, तो ये आपको ऑप्शन एक मिलेगा क्लिक ईयर का। जैसे आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किए तो आपको बंधन बैंक के एक ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ कि आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में पूरा डिटेल पूर्वक लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो आप एक बार अच्छे तरह से पहले इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपको 6.50% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है बंधन बैंक से। उसके बाद आपको डिपॉजिट टाइप सेलेक्ट करूँगा। जैसे आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि मंथली इंटरेस्ट पे आउट, अर्थात ये कह रहा है कि यदि आप जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको एफडी के ऊपर वो आप कब चाहते हैं कि हमें मिल जाए। यदि मंथली चाहते हैं तो आपको प्रत्येक मंथ में आपका जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। यदि आप क्वार्टरली को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा, जैसे कि 50,000 के साथ जो भी आपको इंटरेस्ट रेट बनेगा वो सभी इंटरेस्ट रेट आपको प्रत्येक 3 महीने में आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा सेविंग अकाउंट में, जो कि आप ऊपर में यहाँ देख पा रहे होंगे। उसके बाद ऑन मैच्योरिटी यदि आप क्लिक कीजिएगा, जब भी आपका समय पूरेगा उस समय में जितना भी आपको इंटरेस्ट रेट बनेगा और आपका जो भी पैसा होगा जैसे कि 50,000 था तो सभी आपके अकाउंट में एक ही बार में डिपॉजिट करेगा। आप जो भी यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको इसमें कुछ ऑप्शन मिलेगा। आप मिनिमम 1,000 के साथ अपना एफडी क्रिएट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 करोड़ तक का अपना एफडी क्रिएट कर सकते हैं। और मिनिमम जो आपको टाइम सेलेक्ट करना होगा 7 दिन का, आप कम से कम अपना एफडी 7 दिन के लिए कर सकते हैं और हाईएस्ट अपना एफडी 10 ईयर के लिए अर्थात 10 साल के लिए कर सकते हैं। आपको यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करूँगा, आप कितने ईयर के लिए एफडी बनना चाहते हैं। देखिए आपको 1 से 10 का ऑप्शन मिलेगा। आप जितने भी साल के लिए अपना एफडी बनाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें 3 साल के लिए बना 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितने मंथ के लिए, 3 साल कितने मंथ, आपको ऐसे मंथ भी सेलेक्ट करना होगा। हम 2 मंथ को सेलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद कितने दिन, 3 साल 2 महीने कितने दिन के लिए, आपको एक दिन भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसा कि आप यहाँ देखो हम सेलेक्ट कर लिए 3 साल 2 महीना और 9 डेज। तो आपको भी इस प्रकार से सेलेक्ट करूँगा अपना एफडी क्रिएट करने के लिए। उसके बाद मैच्योरिटी इंस्टीट्यूट, आप जैसे इसको सेलेक्ट कीजिएगा देखिए इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट। जब आपका मैच्योरिटी पूरी जगह तो क्या आप बंधन बैंक के ही अकाउंट में अपना वो पैसा चाहते हैं या फिर किसी और बैंक के अकाउंट में, आपको
यदि किसी और बैंक अकाउंट में चाहिए तो आपको ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। आप सेलेक्ट कीजिएगा ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, जैसे आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको एक अकाउंट नंबर भी बताना होगा। देखिए आपका अकाउंट यहाँ से ऑटोमेटिक शो होगा, इसी अकाउंट में आपका जो एफडी का पैसा होगा समय पूरे के बाद आ जाएगा, या फिर आप बीच में जब क्लोज कीजिएगा तो इसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे मैं आपको ट्रांजेक्शन रिमार्क में कुछ फिलअप करना आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट प्रोडक्ट का, आप नीचे फिर के आपको ऑप्शन मिलेगा नॉमिनी डिटेल का, क्या आप नॉमिनी भी डिटेल ऐड करना चाहते हैं। जैसे आप जैसे इसको सेलेक्ट पर क्लिक किया कि आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, पहला नो नॉमिनी, हम अपने एफडी अकाउंट के साथ कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आप ऐड करना चाहते हैं कि जो भी आपके सेविंग अकाउंट के साथ नॉमिनी है वही आपके एफडी अकाउंट के साथ भी नॉमिनी ऐड हो जाए, आपको फिर अकाउंट नॉमिनी को सेलेक्ट करना होगा। यदि किसी और को नॉमिनी बनना चाहते हैं आपको ऐसे अदर नॉमिनी को सेलेक्ट करना होगा, हम यहाँ से नो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन मिलेगा तो आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का तो आपको सबमिट को सेलेक्ट कर देना होगा। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। फिलहाल मेरा एफडी ऑलरेडी एक बैंक के साथ बना हुआ है, हमें अपना एफडी नहीं बनाना चाहते हैं। देखिए मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस भी नहीं है, यहाँ आपको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे इनसफिशिएंट बैलेंस हमें बता रहा है। जैसे आप यदि आप अपना एफडी बनाना चाहते हैं और आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होगा जितना कि आप अपना एफडी बनाना चाहते हैं, अब उसके बाद अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड जब डाल दीजिएगा उसके बाद फिर से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। आप देखेंगे आपको ओटीपी भी डालने के लिए कहा जाएगा थर्ड स्टेप में, आप यहां देख पाएंगे। जैसे आपने ओटीपी डाल के कन्फर्म कीजिएगा आपका एफडी सक्सेसफुल बन जाएगा। आप इस प्रकार से अपना एफडी बंधन बैंक में बना सकते हैं घर बैठे, आपको कहीं विजिट नहीं करना होगा। आप बात कर लेते हैं कि एफडी बनाने के बाद आप कैसे चेक कीजिएगा आपका एफडी बना या फिर नहीं बना, बाद में उसको क्लोज भी करो तो आप कैसे क्लोज कीजिएगा, इसके लिए आपको फिर से उसी के ऊपर क्लिक करना। देखिए माई अकाउंट के ऊपर चेक करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का, जैसे आप माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करें नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट पर क्लोज, आप यहां से आपने क्लोज कर सकते हैं अर्थात अपना एफडी क्लोज कर सकते हैं। यदि उसका मैच्योरिटी चेक करना हो कि समय पूरा या फिर नहीं पूरा, आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा कि एफडी मैच्योरिटी का क्लोज करने के लिए, जैसे आप यहां से इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा उसके बाद जैसे आपको पहले अपना एफडी का अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। जो आप अभी अपना एफडी बनाएगा तो आपको एक एफडी अकाउंट मिलेगा, वो यहाँ शो हो जाएगा ऑटोमेटिक जब आपका एफडी ओपन हो जाएगा, तो फिलहाल मेरा बना हुआ नहीं है इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ आप क्लोज कर सकते हैं, क्लोज करने के बाद आपका सभी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा बंधन बैंक ऑटोमेटिक। आप इस प्रकार से अपना एफडी वगैरह चेक कर सकते हैं, बाद में आपको बीच में क्लोज करना तो आप बीच में भी क्लोज कर सकते हैं, आपको जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो सभी इंटरेस्ट रेट आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाएगा।